सभी दोस्तों को स्वागत है कमांडो डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि दो दिन के अंदर कैसे 12 फीट लॉन्ग जंप कैसे आप कर सकते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं CPO बिहार पुलिस का और जो भी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें लॉन्ग जंप की जरूरत पड़ती है आपको मात्र दो दिन में। ठीक है, पहली बात क्या होना चाहिए, आपको पाँव उठना चाहिए। उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हाइनी की ये, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ब्रॉड जंप, जो हम लोग इस तरह से बैठ के कहीं भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ये वाला, ये कंटिन्यू इसको आप वर्कआउट में डालिए। और साथ में सिंगल लेग जंप, हुकिंग जंप जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं करके दिखाऊंगा। इससे आपका लॉन्चिंग जो पैड हमारा यहाँ पे देख रहे हैं आप, लॉन्चिंग पैड यहाँ पे, ये आप लोग इस तरह से थ्रू कर सकते हैं। जैसे ये हमारा पाँव है ना, ये सिंगल हुकिंग जंप, ये जंप आप इस तरह से जंप करो कंटिन्यू। और नहीं होता तो धीरे 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 करना है। और जिनका तैयारी में नहीं हो पा रहा है फिजिकल में इस तरह से, तो बिल्कुल आप लोग एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल ट्रेनिंग होता है हमारे पास। अभी जितने हमारे बच्चे हैं ना CPO वाले, सारे आप लोग करके दिखाएंगे कैसे वो कर रहे, क्योंकि उनका ट्रेनिंग लगातार चल रहा है। चाहे कूद करिए आप लोग, अब देखेंगे वीडियो के माध्यम से कि बच्चे कैसे दौड़ेंगे 12 फिट यूं ही आसानी से क्लियर करेंगे। देखोगे, चलिए आप भी जाइए, सारे को जाइए, चलिए ध्यान देंगे, हमारा लॉन्चिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से बच्चे जंप करेंगे, 12 फिट का लाइन हमारे पास यहाँ पे है। ये बॉयज़ का है, गर्ल्स का 9 फिट है, ठीक है ना। तो जो गर्ल्स और बॉयज़ इंटरेस्टेड है बिहार पुलिस को लेके या CPO को लेके, मात्र दो दिन में 12 फिट क्लियर कीजिए, मेरा चैलेंज के बाद है। चलो आ जाओ देखेंगे, आराम से क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन में टच नहीं हुआ, और मेरे ख्याल से ये 13 फिट कूदे हैं, ठीक है ना, ये 13 फिट कूद चुके हैं। चलो नेक्स्ट आ जाइए, चलिए आ जाओ, तो मैं लास्ट में खुद में कूद के दिखाने लगा अभी आप सभी को। ठीक है, बिल्कुल आराम से 13 फिट कूद रहे हैं, आ जाओ। ये फॉल कर दिए, फॉल आपका हो गया, कूदे बहुत बढ़िया बट फॉल नहीं करना। नेक्स्ट गुड, बहुत बढ़िया, ये फॉल है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगर आपके लगातार फॉल्स आ रहे हैं ना, तो पहले शॉर्ट रनिंग लेना है आपको। क्या शॉर्ट रनिंग लेंगे, मान लो कभी कभी आप कूद रहे हैं सीधे लाइन पे कूद रहे हैं, हमेशा क्या करना है आपको, इस तरह से पाँव जब कहे ना उसको ऐसे लीजिए, अलाइनिंग यहाँ कीजिए, और यहाँ से आपको नापना स्टेपिंग लेना है। जैसे आप रनिंग करते हैं स्टेप लेना है, आप इस तरह से स्टेप ले सकते हैं जम करके, 1 2 3 4 5 पहले आप शॉर्ट में लीजिए। ठीक है, और शॉर्ट में हल्का जम कीजिए, ताकि आपको जो सुधारना है, जो लाइनिंग में जो दिक्कत रहा वो सुधरेगा। इस तरह दौड़ के आएंगे 1 2 3 आप बॉडी को उठाइए आराम से। अगर आप, आपके पास स्पीड है, आप आपके लॉन्ग जंप है, स्पीड के थोड़ा सा जंप है, तो आप आराम से दो दिन में, क्या एक दिन में, अगर बॉडी खेले कूदो पहले, तो आप एक दिन में लॉन्ग जंप क्लियर करोगे। तो बिल्कुल फोर वाले बच्चे ध्यान देंगे, आप छोटी छोटी स्टेप लेंगे और कंटिन्यू इसको ध्यान देंगे। ठीक है, छोटा ही लो, मान लो नहीं हो रहा है, छोटा ही जंप करेंगे ऐसे 1 2 3 में, 1 2 बस ये जंप एक कंटिन्यू लगातार करेंगे, दो दिन में आपका लॉन्ग जंप 12 फीट आराम से क्लियर हो जाएगा, हमारा चैलेंज है। ठीक है, मैं दौड़ के दिखाता हूँ, ठीक है आपको तो वहाँ पे जो भी आप लाइनिंग करते थे, मैं वीडियो मेरा जंप देखिएगा, जब ये कूदेंगे ना ऐसे करके, तो दोनों पाँव एक साथ लाइनिंग होगा वहाँ 12 फीट में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चे, ये आपका जंप था जो दोनों पाँव एक साथ लाइनिंग होता है, तो बिल्कुल ध्यान देंगे। और वीडियो जो अच्छा लगे तो जो वीडियो को शेयर करेंगे, और टिप्स के लिए मुझे फॉलो करेंगे। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है कमांडो डिफेंस एकेडमी रोहित कुमार के नाम से, जाइए मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। जय हिंद, वंदे मातरम।